सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए, जिससे कि आपको हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके सबसे पहले। दोस्तों, आप सभी के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। तो उत्तर प्रदेश पुलिस में फिर से नई वैकेंसी आ गई हैं। पीछे वाली वैकेंसी अभी कंप्लीट नहीं हुई हैं और नई वैकेंसी और आ गई हैं, जिसका आपको बेसब्री से इंतज़ार था। तो आइए दिखाते हैं, सरकारी रेंज डॉट कॉम की साइट पे जाएंगे तो आपको यहाँ पे जब आप क्लिक कर रहे होंगे तो यहाँ पे देखिए आ रहा होगा उत्तर प्रदेश पुलिस कॉन्स्टेबल 51216 पोस्ट, ठीक है, 30/11/2018, ठीक है, ये तक लास्ट डेट होगी इसकी, ठीक है। तो इसमें से डेटों के बारे में बात कर ले रहे हूँ। तो प्रेस की जो रिलीज हुआ है नोटिफिकेशन 19 अक्टूबर को हुआ है, अभी ऑफिशियल नहीं हुआ है, और एप्लीकेशन फॉर्म 1 नवंबर से स्टार्ट हो जाएंगे, 31 नवंबर लास्ट डेट हो जाएगी आपकी, और 30 नवंबर वही पेमेंट पीस कर सकते हो और कंप्लीट कर सकते हो फॉर्म को 30 तक, और आपका 4 और 5 जनवरी को आपका एग्ज़ाम हो जाएगा, दिसंबर में आपके आ जाएंगे एडमिट कार्ड, ठीक। तो आगे देखिए और क्या है, 18 से 22 तक एज होगी मैक्सिमम, और इसमें फीमेल की 25 तक होगी, और नोटिफिकेशन में आपको वो बता देगा कि मतलब कितनी एज से कितनी एज तक आपको, कितने से कितने आपकी एज मांगी है उसमें, ठीक है। तो हम देखते हैं इसमें मेल के लिए भाई 61 सेंटीमीटर इसकी हाइट है, और एसटी वालों के लिए 160 है, और 152 जनरल ओबीसी और सभी फीमेल्स कैंडिडेट के लिए है, और इसमें मेल में है जो 79 से 84 आपको सीना फुलाना होगा 5 सेंटीमीटर का, और इसमें आइए आप 4.8 किलोमीटर की आपको रेस 25 मिनट में कवर करनी होगी मेल को, और फीमेल को वहीं पे 2.4 किलोमीटर की रेस 14 मिनट में कंप्लीट करनी होगी। तो आइए नोटिफिकेशन को देख ले रहे हैं, ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं है। तो यहाँ पर एक ये फ़ोटो के साइज में जीपीजी में जो फाइल आ रही है उसमें क्या दे रहा है, योगी सरकार ने दशहरे पर तोहफा दिया, 1 नवंबर से शुरू होगी प्रक्रिया, 1 जुलाई तक होगी संपन्न, ठीक है। तो 1 जुलाई तक ये संपन्न होता रहा है, तो इसमें इसका साफ साफ नहीं दिखाई दे रहा है योगी सरकार ने, तो इसमें दे रहा है योगी सरकार ने दशहरे के तोहफा देते हुए पुलिस में 56,880 पदों पर भर्ती का कार्यक्रम बृहस्पतिवार को जारी कर दिया है। सिपाही बंदी रक्षक फायरमैन के लिए भर्ती 1 नवंबर से शुरू होगी और अगले वर्ष जुलाई के अंत तक चलेगी। प्रमुख सचिव गृह अरविंद ने बताया है कि डीजीपी की ओर से यूपी पुलिस एवं प्रोन्नति बोर्ड का प्रस्ताव भेज दिया गया है, 2018 के अर्हता से बाहर वाले को भी मिलेगा मौका। अच्छा, जो पीछे नहीं जिन्होंने दे पाया है वो भी आप इसमें डाल सकते हैं। प्रमुख सचिव गृह ने बताया कि सरकार ने वर्ष 2017 में सुप्रीम कोर्ट में कहा था कि हर वर्ष 30,000 सिपाहियों की भर्ती होगी, वर्ष 2017 में कोई भर्ती नहीं हुई, इसलिए ऐसे अभ्यर्थी जो 2017 में अर्हता पूरी नहीं कर रहे थे 2018 से बाहर हो गए थे, इन्हें इस भर्ती में मौका दिया जाएगा। आवेदन प्रक्रिया, आवेदन 18 से 22 वर्ष की आय वाले अभ्यर्थी कर सकेंगे। उम्र की गणना 1 जुलाई 2018 से की जाएगी, जबकि पिछली भर्ती में एक जुलाई 2018 से शायद पहले बाद में शायद हुई थी थोड़ी बहुत, और इसमें देखते हैं शैक्षिक योग्यता इंटरमीडिएट होनी चाहिए। पद के लिए 1 से अधिक आवेदन नहीं होगा, और लिखित परीक्षा 300 अंकों की होगी, माइनस मार्किंग भी होगी। 300 अंकों में लिखित परीक्षा में सामान्य ज्ञान और ये सभी पूछे जाएंगे, जो भी हैं सब्जेक्ट पढ़ लेना, और इसमें फायरमैन के लिए 1924 के पदों के लिए 5 नवंबर से 4 दिसंबर के बीच आवेदन प्रक्रिया चालू रहेगी। ऑनलाइन परीक्षा 10 जनवरी को होगी, परिणाम जुलाई के अंत तक घोषित हो जाएंगे। भर्ती के पास 1679 पदों का प्रस्ताव लंबित है। प्रमुख सचिव गृह ने डीजीपी फायर सर्विसेज के शेष 245 पदों के लिए प्रस्ताव भेज दिया है, और इसमें देखेंगे 51,226 सिपाहियों में से 32,000 नागरिक और 19,216 ऐसे अभ्यर्थी होंगे जो नागरिक पुलिस के लिए पद हो जाएंगे, उसके 20% महिलाओं के लिए, यानी के 6400 पद महिलाओं के लिए होंगे, और महिलाओं व 25,600 पद पुरुषों के लिए होंगे। 1 नवंबर से
30 नवंबर तक यह प्रक्रिया चालू रहेगी। 4-5 जनवरी को आपका एग्ज़ाम होगा, जून के तीसरे सप्ताह का तक परिणाम घोषित हो जाएगा। तो ये बहुत ही बड़ी न्यूज है और जिसे आप देख लीजिए और बहुत ही इसकी तैयारी में लग जाइए। और आप अगर आज इसकी तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिस पे हम अच्छी से अच्छी वीडियो आपको डाल के देते रहते हैं और जिससे कि आप अपनी अच्छी खासी प्रिपरेशन कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।